के लिए। अच्छा, इसमें मेरी दिक्कत होगी भाई, क्या करूँ? सरकार के आदेश आ गया कि इन लोगों को भी लिया जाए, अब नई गाइडलाइन बाकी यहाँ भी हमने कलेक्टर भाई दे रही है। हम भी कोशिश करें आपको जल्दी जल्दी नियुक्ति मिले, लेकिन वो गाइडलाइन तो सरकार की है, तो बात करनी पड़ेगी। तो आप गवर्नमेंट से बात, आपके यूनियन है तो सरकार से बात करनी पड़ेगी। ये सरकार से नहीं है कि उसी दोस्त में से किया जाएगा, सरकार में से तो वही तो हम तो कर रहे हैं। हरियाणा से बोले भाई साहब, क्या नाम है आपका और आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? मेरा नाम हुक्माराम गोदर है और मैं एनएसओ का, नर्सिंग एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं और मेरी पूरी टीम ने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक में बाड़मेर की वैकेंसी आई हुई थी, उससे उसके संबंधित की जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अन्य जिलों में जो हमारे विज्ञप्ति जारी हुई थी, बाकी जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, उन सभी जगह पर नियुक्ति दी जा चुकी है और अभी बाड़मेर की नई लिस्ट आई है, नई मेरिट आई है और नई नियुक्ति से संबंधित कोई न्यूज है, और इसलिए जल्द से जल्द नियुक्ति मिले इसलिए ज्ञापन दिया है। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि जो अभी एएनएम को शामिल किया गया है, इसमें राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है, यदि राजस्थान सरकार एएनएम को शामिल करती है कोविड स्वास्थ्य सहायक में, तो उनकी अलग से पोस्टें सर्जित की जाए ताकि जीएनएम की जो वैकेंसी आई हुई है वो एज इट इज रहे और बेरोजगारों को फायदा मिले। यदि जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो और भी बड़े लेवल पर हम धरना प्रदर्शन करके सरकार का घेराव करेंगे।